JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा 2024 जो कि 29 जून से जो है वो शुरू होने जा रही है, जहां पर पंजीकरण की बात करें तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर जानकारी आपके समक्ष रखेंगे कि किन किन बैंकों में जो है वो पंजीकरण प्रक्रिया होगी और क्या कुछ जो है वो रहने वाला है, पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक तक ये जानकारी पहुंच सके, जो तीर्थ यात्री हैं यानी कि जो अमरनाथ यात्रा जाने वाले हैं उन तक ये जानकारी पहुंचना बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा 2024 जो है यानी कि 15 अप्रैल से आगामी पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और देश भर की बात करें तो देश भर में जो है वो लगभग 540 के करीब जो है वो शाखाएं अतिरिक्त की गई हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए PNB, SBI और साथ ही साथ JK बैंक की 21 शाखाएं जो है वो पंजीकरण प्रक्रिया वहां पर होगी, यानी कि आप वहां पर जाके है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। 15 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है यानी कि पंजीकरण प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है और 29 जून से अमरनाथ यात्रा जो है वो देखने को मिलेगी। पंजीकरण के लिए यात्री को अनिवार्य स्वास्थ्य प्राण पत्र जो है वो बनाना जरूरी है, यानी कि प्राण पत्र आपके पास होना बेहद ही जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 13 वर्ष से कम और साथ ही साथ 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए जो है और 6 हफ्ते के गर्भवती महिलाओं को यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर कोई 13 वर्ष से कम है या फिर 70 वर्ष से अधिक आयु जिनकी है या फिर महिला जो कि 6 हफ्ते की गर्भवती है तो उनके लिए साफ तौर पर अनुमति नहीं दी गई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी अमरनाथ यात्रा जाने वाले हैं उन तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। और पंजीकरण की बात करें तो पंजीकरण की प्रक्रिया जो है 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार आगामी यात्रा पंजीकरण के लिए जम्मू कश्मीर में JK बैंक की डोडा, बख्शीनगर, गांधीनगर, साथ ही साथ रेजिडेंसी रोड, बिलावर, पुंछ, राजौरी, रामबन, कन्नगर, श्रीनगर, उधमपुर, किश्तवाड़ शाखा को अतिरिक्त किया गया है। और इसी तरह जो है यानी कि PNB बैंक शाखाओं में जो है वो अखनूर की बात करें तो जम्मू रिहाड़ी चौक 69 BC रोड, रिहाड़ी कॉलेज रोड, कठुआ जम्मू होटल अबिंका कटरा जो है यानी कि वहां पर आपको जो है वो पंजीकरण प्रक्रिया आप करवा सकते हैं। उसके बाद मेन बाजार जम्मू मेन बाजार रियासी वार्ड 2 नेशनल हाईवे सांबा और SBI की बैंक शाखा जो है यानी कि जम्मू तवी को जो है वो अतिरिक्त किया गया है। यहाँ पर आप जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा सकते हैं, यानी कि 15 अप्रैल से जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और बैंक जो है वो कौन कौन से रहने वाले हैं वो आपसे साझा कर चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अमरनाथ आगामी यात्रा जो है पंजीकरण के लिए अनिवार्य स्वस्थ प्राण पत्र जो है वो होना जरूरी है, आपके पास प्राण पत्र होना जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में जो है वो विभिन्न चिकित्सा केंद्र में 238 डॉक्टर अतिरिक्त किए गए हैं, जिनमें से कश्मीर संभाग की बात करें तो 76 के करीब है और जम्मू संभाग में 162 के करीब डॉक्टर हैं जो कि प्राण पत्र जो है वो आपको देंगे। यानी कि प्राण पत्र आपके पास जो है वो होना जरूरी है, जब तक आपके पास प्राण पत्र जो है वो नहीं यानी कि आपका प्राण पत्र नहीं बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देश भर में लगभग 540 बैंक शाखाएं जो है वो आगामी यात्री पंजीकरण के लिए जो है वो अतिरिक्त की गई है, यानी कि लगभग देश भर की 540 यानी कि 540 के करीब जो है वो बैंक शाखाएं होंगी, जिसमें से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है वो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए PNB, SBI और SBI माफ कीजिएगा और JK बैंक की जो है वो 21 शाखाओं में पंजीकरण प्रक्रिया होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी अमरनाथ यात्रा इस बार जाने वाला है उसे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी होना जरूरी है, अनिवार्य है। और प्राण पत्र की बात करें तो प्राण पत्र भी आप बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानियों का जो है वो सामना भी करना पड़ सकता है। जाते जाते मैं फिर एक बात दोहरा दूं कि ये साफ तौर पर बताया गया है कि 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले और 6 हफ्ते की जो गर्भवती महिला है उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। ये यात्रा की बात करें तो 29 जून से अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पर जय भोलेनाथ भी जरूर लिखेगा। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्प शर्मा जम्मू।